हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट्स एंड हाउ। मेरे चैनल व्हाट्स एंड हाउ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आउटलुक 2019, 2020 या 2016 में या 2013 में डिले डिलीवरी का कैसे सेलेक्ट कर ले सकते हैं। डिले डिलीवरी क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई मेल भेजना है, मान लीजिए आपके ऑफिस में एक हफ्ते की छुट्टी है नेक्स्ट टाइम, और आप किसी एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और एवरीडे आपको एक पर्टिकुलर डेट पे मेल भेजना है, तो क्या कर सकते हैं, पूरे एक हफ्ते के लिए मेल को ड्राफ्ट कर सकते हैं और डिले डिलीवरी को सेट कर सकते हैं। तो जिस भी टाइम पे जिस डेट को आप डिले डिलीवरी सेट करेंगे उस टाइम पे आपकी मेल जो है ऑटोमेटिक डिलीवर होने जाएगी, और अगर आप और उस केस में आपका आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वो ओपन होना चाहिए। तो कैसे करेंगे डिले डिलीवरी को सेट कैसे करेंगे, ये देखिए मेरा आउटलुक 2019 है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ न्यू ईमेल ऑप्शन करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ किसको मुझे भेजना है। मान लीजिए इस और फ्रॉम अकाउंट मैं इसी को चूज कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिले डिलीवरी चेक। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डिले डिलीवरी चेक रिगार्ड्स व्हाट्सएप, और यहाँ पे देखेंगे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिले डिलीवरी का, सॉरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आएगा डिले डिलीवरी का। डिले डिलीवरी जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डू नॉट डिलीवर बिफोर, आपको कब सेंड करना है। मान लीजिए आपको आज 14 है, 15 को सेंड करना है, तो आप यहाँ पे 15 जुलाई ऑफ 2020 आप डाल देंगे। मान लीजिए मैं अभी चेक करने के लिए 14 ही कर देता हूँ। अभी ये मेरा मान लीजिए अभी 3:05 हो रहा है, तो मैं 3:55 पे यहाँ पे कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ इसको 3 और इसको मैं कर देता हूँ 05 और मैं इसको ओपन ओके कर दूँगा। हाँ, एक चीज़ और है, अब रिसिपिएंट किसको आपको भेजना है उसको टिक करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको वोटिंग बटन यूज़ करना है तो वोटिंग बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर ये मेल कल आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे जानी थी उस टाइम पे ना गई, मान लीजिए आप चाहते हो कि एक ही दिन कल भेजना है और किसी वजह से कल आपकी मेल नहीं गई तो उस जो है एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 14 को आपको भेजना है तो 15 कर दीजिए कि 15 को अगर मेल ना जाए तो ये एक्सपायर हो जाए, तो इसको आप जो है कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि सेंट आइटम में आपका सेव हो तो ये ऑप्शन ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मोस्टली केस में क्या होता है कि इस ऑप्शन को डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दिया जाता है। तो अभी मेरा मैं 3:05 हो रहा है, तो मैं आपको 3:06 से यहाँ पे कर देता हूँ, 3:06 से यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 3:06 करके मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये देखिए 3:07 करके इसको आपको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लोज करके जब मैं इसे सेंड करूँगा, ये देखिए मैं इसे सेंड कर रहा हूँ, जब मैं सेंड करूँगा तो ये मेरे आउटबॉक्स में आके ये मेल रुक जाएगी। ये देखिए आउटबॉक्स में है, 3:07 पर ये मेल मेरी जाएगी। तो हम तब तक वेट करते हैं 3:07 तक का। तो इस तरह से आप डिले डिलीवरी को आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये आउटबॉक्स में ही है, अभी 3:06 यहाँ पे हो रहा है, हम वेट करते हैं। जैसे ही 3:07 होगा ये मेरी मेल जो है डिलीवर हो जाएगी। ये 3:07 हो गया है और मैं कुछ भी यहाँ पे सेंड रिसीव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सेंडिंग वन मैसेज का ऑप्शन आ रहा है और ये मेल जो है यहाँ से निकल चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे इनबॉक्स में अपने चेक करूँगा यहाँ पे और मैं सेंड रिसीव करता हूँ, यहाँ पे मैं सेंड रिसीव करूँगा तो देखिए वो मेल मेरी एक जो टेस्ट मेल है डिले डिलीवरी की वो मेरी यहाँ पे अभी आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये मेरी मेल एक मतलब फोल्डर में, ये देखिए ये मेरी मेल मेरे इनबॉक्स में डिलीवर हो गई है। तो इस तरह से आप डिले डिलीवरी सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।